नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों आज बीमार में प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लोगों की समस्याओं को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा। सुना आप चंद्रशेखर आजाद? क्या बात में अभी सड़कों पे पानी ज्यादा है, घरों में पानी कम आ रहा है। मैं जब कल रात औरंगाबाद आया तो मैं पूछ रहा था इनसे कि भाई सबसे ज्यादा परेशानी की समस्या क्या है औरंगाबाद इस जिले में, हम लोग हैं वहाँ जानना बहुत जरूरी है। तो पता लगा कि 5-6 दिन में एक बार पानी आता है, तो बारिश की वजह से सड़कों पे पानी तो है लेकिन घरों में पानी नहीं, और किस समय पानी आता है ये भी नहीं पता है। लेकिन टैक्स जो है पानी पे वो औरंगाबाद में सबसे ज्यादा है। तो सरकार टैक्स लेती है तो जनता को सुविधा क्यों नहीं देती? तो मैं समझता हूँ औरंगाबाद वासियों की तरफ से जो सबसे बड़ी समस्या थी, इस पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार को चाहिए, जब जो टैक्स मुंबई में भी नहीं है, पुणे में भी नहीं है, नागपुर में भी नहीं है, वो टैक्स औरंगाबाद में हैवी टैक्स, और फिर पानी की कोई सुविधा नहीं। आम जनमानस का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस विषय पर सोचे। दूसरा, भीमा कोरेगांव का जो इंसिडेंट हुआ था, खैरलांजी का जो प्रकरण है, उसमें जो आंदोलन साथी थे आज तक भी उनके मुकदमे सरकार ने वापस नहीं लिए, जबकि महाराष्ट्र में जो मराठा क्रांति मोर्चा था आरक्षण के लिए, उनके मुकदमे सरकार ने वापस लिए। अच्छी बात है, कोई अपने हक के लिए बोलता है तो उस समय सरकार उसके आंदोलन को खराब करने के लिए तमाम तरह से प्रयास करती है, आंदोलन को बदनाम करने के लिए, लेकिन सरकार को समय रहते हुए जो झूठे मुकदमे लगाए गए उनको वापस ले लेना चाहिए। तो मेरी सरकार से मांग है कि भीमा कोरेगांव और खैरलांजी प्रकरण के मुकदमे वापस ले जाए। अभी तो सरकार विधायक तोड़ने में, विधायक जोड़ने में लगी हुई है, अभी तो सरकार अपने चुनाव चिन्ह के उसमें लगी, लेकिन याद रखे कि उनकी जिम्मेदारी अपनी पार्टी सरकार के से ज्यादा जनता के प्रति भी है। महाराष्ट्र की जनता परेशान है, लंपी वायरस का बड़ा प्रकोप चल रहा है, एक दिन में ये तो महाराष्ट्र का 6800 करीब गायों के साथ जो है उनकी जान जा रही है। सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया, किस बारिश के कारण किसानों की फसल जो है वो खराब हो गई है, 25% मुआवजा दे रही है सरकार, तो 50% तो किसान की वो लगती है उसमें आमद, वो जो अपनी मेहनत करता है, बीज लगाता है, रुपाई करता है, खाद डालता है, उसमें 50% लग जाता है। तो 25% देने से अच्छा जो है सरकार को चाहिए कि उनको ज्यादा मुआवजा दे, जिससे कि उनकी जिंदगी, किसानों की जिंदगी में आसानी बने। एक जो और बड़ा मामला है, महात्मा ज्योतिबा फूले आर्थिक महामंडल, इसके अनुसार जो लोन दिया गया है अन्ना बाबू साठे, SC ST, संत रोहिदास, चर्मोद्योग, मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास मंडल के जितने भी लाभकारी हैं, पहली बात तो क्योंकि कोरोना के बाद वैसे ही हालात खराब है, आर्थिक कमजोरी हो रही है, तो आम जो लोग किसी कारण से जो है वो अपना लोन नहीं चुका पाए, उनके कारण नया लोन मिलना बंद हो गया। तो मैं सरकार से मांग करूंगा, सरकार तो अपने पूंजीपति मित्रों के इतने बड़े बड़े लोन माफ करती है, तो यहाँ के आम जो है लोग उनका इतना ये जो लोन है उसको माफ करे, जिससे कि उनकी वो जो आज सुसाइड करने के कगार पर चले गए उनकी जिंदगी सेफ। ये महाराष्ट्र की धरती जो है ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की धरती है, माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फूले की धरती है, और यहाँ स्कूल खोले उन्होंने, लेकिन पिछले कुछ ही समय 1600 से ज्यादा स्कूल बंद हुए, और इन सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? ये आप और मैं जानते हैं कि गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इन स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, उनको बंद करके जो है ना वो शिक्षा का रास्ता बंद किया जा रहा है, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा, अगर शिक्षा के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो हम लोग तरक्की कैसे करेंगे? हम पे तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है, क्योंकि सरकार हमें लोन भी नहीं देती, हम पे रोजगार भी नहीं है, नौकरियां भी इतनी पर्याप्त नहीं है, तो हम शिक्षा के द्वारा पढ़ के छोटे मोटे बिजनेस करके, प्राइवेट काम करके आगे बढ़ रहे हैं, सरकार उसके रास्ते को बंद कर रही है, ये खतरनाक है, ये सोची समझी साजिश लगती है, जिससे कि गरीब शोषित वर्ग के बच्चे जो पढ़ ना पाए। एक और बड़ा इशू है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर जो है उसके जो PhD धारक है, मैं मांग करता हूं कि उनको सभी को फेलोशिप दी जाए, जिससे कि वो बच्चे पढ़ लिख के महाराष्ट्र के लिए योगदान दे, देश के लिए योगदान दे, और दुनिया में महाराष्ट्र का नाम रोशन करे।
और अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला जो आजकल बड़े पैमाने पर चल रहा है महाराष्ट्र में, उसके बाद इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मोहन भागवत जी बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट भी थोड़े से बदल गए हैं, उनकी भाषा शैली में परिवर्तन। वो कह रहे हैं कि जाति खत्म कर देनी चाहिए, वर्ण खत्म कर देना चाहिए, शमशान नल एक होने चाहिए। तो मुझे लगता है देर से शायद एहसास हुआ, इतने लंबे समय तक जिन्होंने गैर बराबरी को सींचा हो, आज उनकी बातों में बदला बदला था इस बात को महसूस करा रहा है कि कोई और षड्यंत्र जो है इन वर्गों के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि अब पिछले 5 साल में जो संघर्ष हम लोगों ने किया, उसके बाद आदिवासी हों, ओबीसी के लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों या माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने लगे, वो आंदोलन भी कर रहे हैं, जिससे कि बीजेपी में बौखलाहट। और ये जो आज जो प्यारी प्यारी बातें हो रही है, जैसे कुर्बानी से पहले बकरे को खूब खिलाया पिलाया जाता, मुझे लगता है ये उसी की देन है या उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था खत्म करने वाले लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि खत्म कर दी जाए, इनको कर देना चाहिए, इनके पास तो सरकार है। जब ये हिंदू एकता की बात करते हैं तो इनके पास तो केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार, क्यों नहीं खत्म कर देते? जाति के आधार पर जो अन्याय सह रहे हैं देश में, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनके उन्होंने जो अन्याय सहा है, इसके बारे में बोलने से काम चल, धरातल पर काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से मोहन भागवत जी के सुर बदले हैं, लेकिन इनकी कथनी करनी पहले से फर्क है। ये जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता का दबाव है, लोग खड़े हो रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी, कमजोर लोग जो है अपनी ताकत का एहसास कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पे, उनके सपनों पर आधारित भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। संघर्ष जारी है। कल मैं येवला आया था, उसी के बाद में औरंगाबाद आया क्योंकि येवला वो धरती है और 13 अक्टूबर 1935 के दिन उसी धरती पे, जहां हम जिसको मुक्ति भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा। और फिर आज के दिन 14 अक्टूबर को, वैसे वो तिथि विजयदशमी की, लेकिन आज के दिन तिथि के हिसाब से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो पूरे देशवासियों को भी हम चक्र परिवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई, और मीडिया बंधुओं को भी। और मेरा भी ये मानना कि बाबा साहब के आदर्शों पर चल के आने वाले समय में उनके अनुयायी, बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हम लोग करोड़ों लोगों के साथ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके इस देश को बौद्ध में भारत बनाने के लिए, यानी कि मानवता का राज लाने के लिए काम करेंगे, ऐसा संकल्प भी कल हम लोगों ने वहां किया है। धन्यवाद। अभी मीडिया के साथ कोई सवाल हो तो पूछे, लेकिन मैं एक बात को और बता दूं, औरंगाबाद में अभी सड़कों पे पानी ज्यादा है, घरों में पानी कम आ रहा है। मैं जब कल रात औरंगाबाद आया तो मैं पूछ रहा था इनसे कि भाई सबसे ज्यादा परेशानी की समस्या क्या है औरंगाबाद इस जिले में हम लोग हैं, वहां जानना बहुत जरूरी है। तो पता लगा कि 5-6 दिन में एक बार पानी आता है, तो बारिश की वजह से सड़कों पे पानी तो है लेकिन घरों में पानी नहीं, और किस समय पानी आता है ये भी नहीं पता, लेकिन टैक्स जो है पानी पे वो औरंगाबाद में सबसे ज्यादा है। तो सरकार टैक्स लेती है तो जनता को सुविधा क्यों नहीं देती? तो मैं समझता हूँ औरंगाबाद वासियों की तरफ से जो सबसे बड़ी समस्या थी, इसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार को चाहिए, जब जो टैक्स मुंबई में भी नहीं है, पुणे में भी नहीं है, नागपुर में भी नहीं है, वो टैक्स औरंगाबाद में हैवी टैक्स, और फिर पानी की कोई सुविधा नहीं। तो आम जनमानस का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इस विषय पर सोचे। दूसरा, भीमा कोरेगांव का जो इंसिडेंट हुआ था, खैरलांजी का जो प्रकरण है, उसमें जो आंदोलनरत साथी थे, आज तक भी उनके मुकदमे सरकार ने वापस नहीं लिए। जबकि महाराष्ट्र में जो मराठा क्रांति मोर्चा था आरक्षण के लिए, उनके मुकदमे सरकार ने वापस लिए। अच्छी बात है, कोई अपने हक के लिए बोलता है तो उस समय सरकार उसके आंदोलन को खराब करने के लिए तमाम तरह से प्रयास करती है, आंदोलन को बदनाम करने के लिए, लेकिन सरकार को समय रहते हुए जो झूठे मुकदमे लगाए गए उनको वापस ले लेना चाहिए। तो मेरी सरकार से मांग है कि भीमा कोरेगांव और खैरलांजी प्रकरण के मुकदमे वापस ले जाए। अभी तो सरकार विधायक तोड़ने में, विधायक जोड़ने में लगी हुई है,
अभी तो सरकार अपने चुनाव चिन्ह के उसमें लगी, लेकिन याद रखें कि उनकी जिम्मेदारी अपनी पार्टी सरकार के से ज्यादा जनता के प्रति भी है। महाराष्ट्र की जनता परेशान है, लंपी वायरस का बड़ा प्रकोप चल रहा है। एक दिन में ये तो महाराष्ट्र का 6800 करीब गायों के साथ जो है उनकी जान जा रही है। सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा किसानों को नहीं दिया, बारिश के कारण किसानों की फसल जो है वो खराब हो गई है। 25% मुआवजा दे रही है सरकार, तो 50% तो किसान की वो लगती है उसमें आमद, वो जो अपनी मेहनत करता है, बीज लगाता है, रुपाई करता है, खाद डालता है, उसमें 50% लग जाता है। तो 25% देने से अच्छा जो है सरकार को चाहिए कि उनको ज्यादा मुआवजा दे, जिससे कि उनकी जिंदगी, किसानों की जिंदगी में आसानी बने। एक जो और बड़ा मामला है, महात्मा ज्योतिबा फूले आर्थिक महामंडल, इसके अनुसार जो लोन दिया गया है अन्ना बाबू साठे, SC ST संत रोहिदास चर्मोद्योग, मौलाना आजाद अरब संख्यक आर्थिक विकास मंडल के जितने भी लाभकारी हैं, पहली बात तो क्योंकि कोरोना के बाद वैसे ही हालात खराब है, आर्थिक कमजोरी हो रही है, तो आम जो लोग किसी कारण से जो है वो अपना लोन नहीं चुका पाए, उनके कारण नया लोन मिलना बंद हो गया। तो मैं सरकार से मांग करूंगा, सरकार तो अपने पूंजीपति मित्रों के इतने बड़े बड़े लोन माफ करती है, तो यहाँ के आम जो है लोग उनका इतना ये जो लोन है उसको माफ करे, जिससे कि उनकी वो जो आज सुसाइड करने के कगार पर चले गए उनकी जिंदगी सेफ। ये महाराष्ट्र की धरती जो है ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की धरती है, माँ फातिमा शेख, माँ सावित्रीबाई फूले की धरती है, और यहाँ स्कूल खोले उन्होंने, लेकिन पिछले कुछ ही समय 1600 से ज्यादा स्कूल बंद हुए, और इन सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? ये आप और मैं जानते हैं कि गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इन स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, उनको बंद करके जो है ना वो शिक्षा का रास्ता बंद किया जा रहा है। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर शिक्षा के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो हम लोग तरक्की कैसे करेंगे? हम पे तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है, क्योंकि सरकार हमें लोन भी नहीं देती, हम पे रोजगार भी नहीं है, नौकरियां भी इतनी पर्याप्त नहीं है, तो हम शिक्षा के द्वारा पढ़ के छोटे मोटे बिजनेस करके, प्राइवेट काम करके आगे बढ़ रहे हैं, सरकार उसके रास्ते को बंद कर रही है। ये खतरनाक, ये सोची समझी साजिश लगती है, जिससे कि गरीब शोषित वर्ग के बच्चे जो पढ़ ना पाए। एक और बड़ा इशू है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर जो है उसके जो PhD धारक है, मैं मांग करता हूं कि उनको सभी को फेलोशिप दी जाए, जिससे कि वो बच्चे पढ़ लिख के महाराष्ट्र के लिए योगदान दे, देश के लिए योगदान दे, और दुनिया में महाराष्ट्र का नाम रोशन करे। और अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला जो आजकल बड़े पैमाने पर चल रहा है महाराष्ट्र में, उसके बाद इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि RSS का हेडक्वार्टर नागपुर में है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि मोहन भागवत जी बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट भी थोड़े से बदल गए हैं, उनकी भाषा शैली में परिवर्तन, वो कह रहे हैं कि जाति खत्म कर देनी चाहिए, वर्ण खत्म कर देना चाहिए, शमशान नल एक होने चाहिए। तो मुझे लगता है देर से शायद एहसास हुआ, इतने लंबे समय तक जिन्होंने गैर बराबरी को सींचा हो, आज उनकी बातों में बदला बदला था, इस बात को महसूस करा रहा है कि कोई और षड्यंत्र जो है इन वर्गों के खिलाफ हो रहा है। क्योंकि अब पिछले 5 साल में जो संघर्ष हम लोगों ने किया, उसके बाद आदिवासी हों, OBC के लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, या माइनॉरिटी के लोग हैं, वो अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने लगे, वो आंदोलन भी कर रहे हैं, जिससे कि BJP में बौखलाहट। और ये जो आज जो प्यारी प्यारी बातें हो रही है, जैसे कुर्बानी से पहले बकरे को खूब खिलाया पिलाया जाता, मुझे लगता है ये उसी की देन है, या उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था खत्म करने वाले लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि खत्म कर दी जाए? इनको कर देना चाहिए, इनके पास तो सरकार है। जब ये हिंदू एकता की बात करते हैं तो इनके पास तो केंद्र की सरकार, स्टेट की सरकार, क्यों नहीं खत्म कर देते? जाति के आधार पर जो अन्याय सह रहे हैं देश में, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनके उन्होंने जो अन्याय सहा है, इसके बारे में बोलने से काम चल, धरातल पर काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से मोहन भागवत जी के सुर बदले हैं, लेकिन इनकी कथनी करनी पहले से फर्क है। ये जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता का दबाव है, लोग खड़े हो रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी
हमारी कमजोर लोग जो है अपनी ताकत का एहसास कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पे उनके सपनों पे आधारित भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। संघर्ष जारी है। कल मैं येवला आया था, उसी के बाद में औरंगाबाद आया क्योंकि येवला वो धरती है और 13 अक्टूबर 1935 के दिन उसी धरती पे जहां हम जिसको मुक्ति भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा। और फिर आज के दिन 14 अक्टूबर को वैसे वो तिथि विजयदशमी की लेकिन आज के दिन तिथि के हिसाब से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो पूरे देशवासियों को भी हम चक्र परिवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई और मीडिया बंधुओं को भी। और मेरा भी ये मानना कि बाबा साहब के आदर्शों पर चल के आने वाले समय में उनके अनुयायी बाबा साहब ने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हम लोग करोड़ों लोगों के साथ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लेके इस देश को बौद्ध में भारत बनाने के लिए यानी कि मानवता का राज लाने के लिए काम करेंगे, ऐसा संकल्प भी कल हम लोगों ने वहां किया है। धन्यवाद। अभी मीडिया के साथियों कोई सवाल हो तो पूछे, लेकिन मैं एक बात को और बता दूं